शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बताइए। वेलकम ड्रिंक्स रेडी है? हाँ सर रेडी। देखो बरातियों को खाने में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। नहीं नहीं कोई कमी। अरे सुनो वो एंट्रेंस पे लाइट लगाने के लिए बोला था, लग गई? लग गई सर। अरे ठीक है सर, वो पेमेंट करवा देते तो अच्छा रहता। थैंक यू। डियर मम्मी एंड पापा। यशवी जी एक मिनट इधर आइए जी। ये देखिए, है तो हमारी बेटी ही ना। सिर्फ हमने ही उसे चिट्ठी नहीं भेजी है, उसने भी हमें चिट्ठी भेजी है। प्रिय मम्मी पापा, मुबारक हो, बेटी हुई है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो दिमाग में आत्मा में छप से जाते हैं। आज से ठीक 22 साल पहले तुम्हारे आने की खबर हमारे लिए वैसा ही एक पल था, जब गोद में उठाते ही तुम अपनी गोल गोल आंखों से पहले हमें देखी और फिर हंस पड़ी। आंखें बंद करें तो आज भी तुम्हारी वो हंसी हम सुन सकते हैं। बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, तो एक नया जन हमारा भी हुआ था। तुमने हमें माँ बाप का दर्जा दिलाया और हमारे आंगन में एक नन्ही परी आ गई। एक नन्ही परी की तरह आपने मुझे पाला। याद है मुझे स्कूल का वो पहला दिन जब मम्मी का हाथ बहुत कस के पकड़ा था। बिना कुछ कहे समझ जाना माओं की खासियत होती है। समझ गई थी कि उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। उन्होंने कस कर मुझे गले लगाया और कहा कि वो हमेशा मेरे साथ है और जब मैं क्लास से बाहर आऊंगी मम्मी वहीं मिलेगी। स्कूल की छुट्टी होने तक उस दिन मम्मी वहीं खड़ी रही। आपकी उस एक दिन की हिम्मत ने मेरा स्कूल जाना आसान कर दिया। बचपन से लेकर आज तक सब कुछ आसान किया है तुमने हमारे लिए। जब भी बाहर जाते तुमने हमेशा अपना मन मारा, अपनी पसंद की चीजें लेने से मना किया ताकि हम कीर्ति के पसंद की चीजें ले सके। इतनी कम उम्र में तुम इतनी समझदार कैसे थे कि जानती थी कि पापा का बजट कम है। अपनों के लिए आपने कितनी तकलीफ उठाई है पापा। टैक्सी छोड़ के बस में ट्रेवल किया ताकि हम आराम से रिक्शा से स्कूल जा सकें। ओवर टाइम किया ताकि हम स्कूल की पिकनिक में जा सकें, हमारे दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी कर सके। हमारी खुशी के लिए पापा ने जहां अपना आराम छोड़ा, मम्मी ने छोटे से बजट में कितने अच्छे से घर संभाला। आज तक हमें कोई कमी महसूस नहीं होने दी। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ अच्छे पल और खुशियां। और इन खुशियों के रास्ते में आपने कभी कोई रुकावट नहीं आने दी। जो आपके लिए इतना करे उन्हें थैंक यू बोल के उनके त्याग को छोटा नहीं कर सकते। बस प्रार्थना कर सकती हूँ कि भगवान हर जन्म में मुझे आपकी ही बेटी बनाए। भगवान हर जन्म में हमें इतना ही खुशनसीब बनाए, हर जन्म में बेटी के रूप में श्रद्धाएं दे। हमें पूरा विश्वास है जिस तरह तुमने इस घर को खुशियों से भर दिया, इस घर को स्वर्ग बना दिया,
उसी तरह से अपने ससुराल को भी खुशियों से भर दूंगी। आई प्रॉमिस मम्मी पापा, मैं आपका सर कभी झुकने नहीं दूंगी। हमेशा कोशिश करूंगी कि आपके दिए संस्कारों से अपने ससुराल में सबका दिल जीत सकूं। पर आपकी जगह कोई नहीं ले सकता मम्मी पापा। आपकी लाडली श्रद्धा। हमारी बच्ची कब इतनी बड़ी हो गई पता नहीं चला। इसे देखकर ना सर गर्व से ऊंचा हो जाता है मेरा। बारात पहुंचने वाली है, स्वागत की तैयारी कर लीजिए। आप ये हमें दीजिए। क्यों रो रहे हैं आप? सारा मेकअप खराब हो जाएगा। कहाँ आसान होता है अपना घर छोड़ना, है ना श्रद्धा? मैं कीर्ति को फोन करके पूछती हूँ कि वो कहाँ पहुंची है। बारात आ गई, मैं देखता हूँ। हाँ। मम्मी का फोन है, आप रोना बंद करिए। हेलो मम्मी। हेलो कीर्ति। बेटा कितना टाइम लगेगा? बारात आ गई है। आधा घंटा तो और जाएगा। अरे तुम एक काम करो, अब लड़के वाले आने वाले हैं, तुम वापिस आ जाओ। कुछ रस्में ऐसी हैं बेटा जिसमें तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। अब ठीक है, हम आ जाते हैं। दीदी थोड़ा जल्दी कर दीजिए ना। अरे कोई जल्दी नहीं, आधा घंटा है हमारे पास। ये दुल्हन के कामों में ना इतनी जल्दी नहीं मचाते। आप अच्छे से रेडी हो जाइए, वैसे भी वेन्यू पे कमाल धमाल की एंट्री करवानी है आपकी। सुन, तुझे वापस जाना है ना? अरे हाँ हमें जाना है, पर हम जाएं कैसे? अब दुल्हन ना सही, दुल्हन की बहन है, इतना तैयार होके हम ऑटो में कैसे जाएंगे? क्या करें? हाँ, हम गाड़ी लेके जाते हैं, मम्मी को कहेंगे आप लोग के लिए दूसरी गाड़ी भेज दे, चलेगा? आप फटाक से रेडी हो जाइए। दीदी अच्छे से तैयार करना, टाइम लेकर। बाय। नमस्ते। खुश रहो। अरे बस बस आओ बेटा। चलो बेटा। भाभी आपसे एक बात कहे। हाँ बोलिए ना। आज नैना भाभी का चेहरा कुछ ज्यादा ही चमक रहा है। हमारा मतलब है कि इससे पहले हमने उन्हें इतना खुश कभी नहीं देखा। सही बोल रही हूँ। अब किसी सास को श्रद्धा जैसी बहू मिल जाए तो उसके चेहरे पे तो निखार आएगी। बहुत किस्मत वाली है नैना भाभी। वो तो है। कीर्ति नहीं दिख रही कहीं, अभी तक आई नहीं है क्या? हाँ वो मेकअप उतने में टाइम तो लगता है ना। वैसे देखते हैं आज की बाजी कौन जीतता है, कीर्ति या सोना। अगर बाजी खूबसूरती की मारने की हो तो वो तो ऑलरेडी तुम्हारी बुआ जीत चुकी है। हमारा मतलब है कि हमसे ज्यादा खूबसूरत और कौन है? कैसी बात कर रहे हो बुआ जी, आपसे खूबसूरत कोई लग सकता है क्या? और किसमें इतनी हिम्मत है कि आपसे मुकाबला कर सके? वो भी ठीक है। वैसे आज हमारी नजर ना उन दोनों बहनों पर है कि सबसे ज्यादा सच संवर कर कौन आती है। फिर तो बाजी हमारी हीरोइन कीर्ति मार लेगी, क्योंकि उसे तो सजने संवरने का इतना शौक है। और उसके अलावा वो करती भी क्या है? जी नहीं, तो एक बार श्रद्धा भाभी को आने दे, उनका लहंगा ना सबसे हैवी होने वाला, उनका मेकअप एकदम झकास। अच्छा ऐसी बात है, तो चल लगी शर्ट 500 की, हम देखते हीरोइन। Thank you.
किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।